हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? एवरीवन इज गुड। कल संडे था तो आई होप आप सबने अपना संडे अच्छे से एंजॉय किया होगा। यस और नो? यस। ओके, सो आज मंडे है तो स्टडी तो करना पड़ेगा, है ना? सो वेलकम टू आवर एसएस क्लास। सो नाउ एवरीवन बी रेडी विथ योर एसएस वर्कशीट। ओके, which chapter is going on? Chapter number 12. And what is the name of our chapter? People who help us. Okay, last week में हमने जो हमारा chapter 12 है people who help us, उसका हमारा textbook में सब कुछ finish हो गया है। explanation, hard words, then exercises, वो सब textbook में finish हो गया है। तो आज हम उसका जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस है वो कहाँ हम करते हैं? वर्कशीट में। ओके, तो आई होप सबने अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है, मतलब पीए टू का फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। तो आई होप आप सबने वर्कशीट आनंद स्टेशनरी से ले लिया है। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, हमारा वर्कशीट में एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 12 का आज हम वर्कशीट में क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चलो नाउ टेक आउट योर एसएस वर्कशीट एंड ओपन पेज नंबर फाइव जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज है। एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक में हो गया था, बाकी जो एक्स्ट्रा होता है ये हम कहाँ पे करते हैं? वर्कशीट में। ओके, नाउ लिसन एवरीवन, जब ये चैप्टर हमने इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था और एक्सरसाइज भी, उसमें वीडियो के अंदर भी एक्सरसाइज था। तो आई होप आपको अच्छे से, अभी चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में से हमने क्या सीखा, व्हाट वी आर लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, है ना? तो ये जो हमारे हेल्पर्स है, नेबरहुड में ही सब रहते हैं ना, जो भी हमें हेल्प करते हैं हमारा डे टू डे लाइफ में, पीपल हु हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ, वो कहाँ पे रहते हैं? हमारे नेबरहुड में ही रहते हैं। ओके, तो आपने देखा कौन हमें किस तरह से हेल्प करते हैं, कभी हमें पता चलता है कभी नहीं पता चलता है। ओके, तो ये सब हमने सीखा और बदले में हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड उनको थैंक यू वो बोलना चाहिए। जो भी आपको कभी भी छोटी चीज में अगर आपको कोई भी हेल्प करता है, आप कभी भी प्रॉब्लम में हो तो अगर आपको कोई हेल्प करता है तो हमें क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। ओके, और हमेशा जो भी हमारे हेल्पर्स है, जो भी हमें हेल्प करते हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छे से पोलाइटली बोलना चाहिए। ओके, ये सब हमने इस चैप्टर से लर्न किया। चलो अभी हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे वर्कशीट में। रेडी एवरीवन? सबने ओपन किया वर्कशीट पेज नंबर 5। चलो चैप्टर नंबर 12 पीपल हु हेल्प अस। एक्सरसाइज नंबर 1, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है हमारा? एमसीक्यू है। ओके, तो एमसीक्यू तो अभी सबको पता चल ही गया है कि हम क्वेश्चन अच्छे से लर्न करेंगे, उसके बाद जो उसका ऑप्शन होगा, जो भी राइट ऑप्शन होगा हम वहाँ पे टिक करेंगे। ओके, चलो नंबर 1 इज हु मेक्स फूड इन द होटल। हु मेक्स फूड इन द होटल, होटल में खाना कौन बनाता है? हु मेक्स फूड इन द होटल, होटल में खाना कौन बनाता है? जब भी आप बाहर जाते हो खाने के लिए, खाना खाने हम कभी कभी बाहर जाते हैं ना, कोई भी फेस्टिवल हो या फिर घर में अगर कोई सेलिब्रेशन हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, हम अक्सर बाहर खाना खाने जाते हैं ना, उस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो होटल में खाना खाने आप जाते हो, फिर हम जाते हैं ऑर्डर देते हैं और वो वेटर आके हमें सर्व कर देता है ना, बट खाना कौन बनाता है वहाँ पे होटल में? ऑप्शन में क्या है? स्वीपर, कुक, प्लम्बर, इसमें से क्या होगा? होटल में खाना कौन बनाता है? स्वीपर, कुक या फिर प्लम्बर? स्वीपर का काम क्या होता है? रोड क्लीन करना। प्लम्बर का काम कौन क्या होता है? क्या होता है?
मेंडिंग द लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स, है ना, जो पाइप और टैप लीक हो जाती है उसका रिपेयर कौन करता है? प्लम्बर। बाकी बचा कौन? कुक। कुक आजकल हम उन्हें शेफ भी कहते हैं ना, और मास्टर शेफ का एक टीवी में शो प्रोग्राम भी आ रहा था ना, छोटे बच्चे को लिटिल मास्टर शेफ का भी एक प्रोग्राम आ रहा था, देखा आपने? वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कैसे खाना बना रहे थे, है ना, तो ये उनको शेफ भी हम कह सकते हैं, कुक भी कहते हैं। ओके, तो हु मेक्स फूड इन द होटल? इट्स कुक। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, कुक में टिक करेंगे। हु मेक्स फूड इन द होटल? हु मेक्स फूड इन द होटल। ओके, देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर टू, हु स्टिचेस क्लोथ्स फॉर अस? हु स्टिचेस क्लोथ्स फॉर अस? हमारे लिए क्लोथ्स कौन स्टिच करता है? देखो क्या लिखा है, स्वीपर, टेलर या नर्स। देखो जैसे मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पहले दो बार हम टू टाइम्स रीड करवाती हूँ, फिर हम क्वेश्चन, जैसे ये हमें पता है कि ये आंसर है, बट अगर हमें आगे पीछे और भी ऑप्शन में क्या लिखे हैं उसको देखेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, तभी हमको अच्छे से आंसर क्या होगा वो पता चलेगा। आप भी वैसा ही करना, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन रीड करने में या फिर समझने में। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जो लिखा है कुछ भी हम ऐसे ही टिक कर दें, नहीं, आपको रट्टा मार के आपने याद कर लिया, ठीक, अच्छे से पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, सारे ऑप्शन भी रीड करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ओके, अभी तो क्या, अभी घर पे मम्मी है, मम्मी करवा देगी, बट जब एग्जाम आएगी उसमें तो मम्मी नहीं करवाएगी ना, आपको खुद से करना पड़ेगा। तो अभी से अगर आप खुद से रीड करके, मम्मी आपको हेल्प करेगी, आप खुद से रीड करके समझ के करोगे, तो आपको क्या होगा एग्जाम में करने में इजी रहेगा। ओके, सो हु स्टिचेस क्लॉथ्स फॉर अस? ये सबको पता ही है, क्लॉथ्स हमारे लिए कौन स्टिच करता है? स्वीपर, टेलर या नर्स। नर्स कहाँ पे काम करती है? हॉस्पिटल में। स्वीपर का काम होता है क्लीन द रोड। बाकी बच्चा कौन? टेलर। टेलर हमारे लिए क्लॉथ स्टिच करता है ना। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, हु लुक्स स्वीप्स द रोड? स्वीपर, कुक या प्लम्बर? रोड की क्लीन की, रोड जो क्लीन, गंदा डर्टी रोड को क्लीन करने का काम किसका होता है? स्वीपर का, है ना, क्योंकि कुक जो है उसका काम क्या होता है? खाना बनाना। प्लम्बर जो है क्या होता है उसका काम? जो लीकिंग टैप्स, लीकिंग पाइप है उसको रिपेयर करना। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हु लुक स्वीप द रोड? स्वीपर। देन नेक्स्ट वन इज हु वर्क्स इन द हॉस्पिटल? हु वर्क्स इन द हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में कौन काम करता है? स्वीपर, टेलर, नर्स। स्वीपर कहाँ काम करता है? रोड में क्लीन करने का काम होता है। टेलर स्टिचिंग का काम करता है। नर्स, बाकी बच्चों का नर्स, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्स ये सब काम करते हैं ना, तो हम कहाँ पे टिक करेंगे? नर्स के ऊपर। ओके, देन हु मेंस लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स? प्लम्बर, टेलर, स्वीपर। तो स्वीपर का तो पता चल ही गया होगा, टेलर का टेलर स्टिच करना, स्वीपर का रोड क्लीन करना, बाकी बच्चा कौन? प्लम्बर। प्लम्बर जो है उसका काम क्या होता है? मेंडिंग, लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स। ओके, सो हु मेंस लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स? अगर आपको क्वेश्चन आएगा आप क्या बोलोगे? प्लम्बर मेंस लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स। प्लम्बर का काम होता है जो भी पाइप और टैप्स होता है उसका रिपेयर करना। ओके, ये था एक्सरसाइज नंबर वन MCQ। देन नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज नंबर टू, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, ओके, तो ये देख के आपको क्या याद आ रहा है? हमने जो इंट्रोडक्शन क्लास में जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको वीडियो दिखाया था, उसमें भी वीडियो के बाद आपको ऐसे ही मैचिंग का एक क्वेश्चन था, है ना, मैंने आपको बताया था कि आपको खुद से करना था, उसमें भी ऐसे मैचिंग करके आपको बताया गया था, है ना।
ओके, तो अभी हम मैच करेंगे कलम ए एंड कलम बी। देखो कलम ए में क्या है 1 to 5, कलम बी में, कलम ए में जो 1 to 5 है उसमें एक पर्सन का नेम लिखा है। किसका नाम लिखा है? जो पीपल हु हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ, 5 पर्सन ऐसे नाम लिखा है जो हमें हमारा डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं। ओके, और ऑप्शन कलम बी में क्या लिखा है, ए टू ई, इसमें लिखा है उनका एक्टिविटी, वो क्या करते हैं। यहाँ पे पर्सन की नेम लिखा है जो हमें हेल्प करते हैं, और यहाँ पे उनका एक्टिविटी, वो हमें किस किस काम में हेल्प करते हैं। ओके, तो हमें उनको मैच करना है। सबसे पहले क्या लिखा है, नंबर 1 में लिखा है ए डॉक्टर, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या लिखा है सबसे पहले डॉक्टर। ओके, सो फर्स्ट वन इज ए डॉक्टर, तो डॉक्टर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लुक्स आफ्टर प्लांट्स, फिक्सेस लीकिंग पाइप्स, स्टिचेस क्लोथ्स, लुक्स आफ्टर योर हेल्थ, टेक्स यू टू स्कूल, टेक्स यू टू स्कूल। ओके, तो डॉक्टर का काम क्या होता है, लुक्स आफ्टर प्लांट्स, प्लांट्स का देखभाल करना होता है डॉक्टर का काम, नो। फिक्सेस लीकिंग पाइप्स, मतलब जो रिपेयर करता है पाइप, डॉक्टर का काम होता है, नहीं। स्टिचेस क्लोथ, डॉक्टर आपके लिए क्लोथ स्टिच करते हैं, नो। लुक्स आफ्टर योर हेल्थ, आपकी हेल्थ की टेक केयर करता है, यस, लुक्स आफ्टर योर हेल्थ, तो डॉक्टर का काम क्या होता है, लुक्स आफ्टर योर हेल्थ। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके मैचिंग नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर आंसर में आपको 1 2 3 4 5 लिखा है, आपको सिर्फ ए बी सी डी ई इसमें से जिसके साथ मैच हो रहा है उसका नंबर लिखना है। तो किसके साथ मैच हो रहा है, नंबर डी, लुक्स आफ्टर योर हेल्थ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी, और यहाँ पे सारे कैपिटल में है, मतलब आपको यहाँ पे कैपिटल में ही लिखना है। ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ, जहाँ पे कैपिटल लिखा है आपको वहाँ पे कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ओके, स्मॉल नहीं लिखना है। तो डॉक्टर लुक्स आफ्टर योर हेल्थ, ओके। देन नंबर 2, ए ड्राइवर, ड्राइवर का काम क्या होता है, लुक्स आफ्टर प्लांट्स, फिक्सेस लीकिंग पाइप्स, स्टिचेस क्लोथ्स, लुक्स आफ्टर योर हेल्थ एंड टेक्स यू टू स्कूल, आपको स्कूल से, टेक्स यू टू स्कूल, स्कूल को ले, स्कूल ले जाना, स्कूल से आपको वापस पिक करना, इसका काम होता है ड्राइवर का। तो ड्राइवर क्या काम करता है, ए ड्राइवर टेक्स यू टू स्कूल, स्कूल लेके जाता है आपको, है ना। सो ड्राइवर के साथ किसको मैच करेंगे, ई को, ड्राइवर का काम ही होता है ना, हम कभी कोई बस में आता है, कोई वैन में आता है, तो वहां पे बस और वैन कौन चलाता है, ड्राइवर, उनका काम है वैन चलाना, बस चलाना, तो उनका काम होता है हमें सेफली स्कूल से, घर से स्कूल ले जाना, फिर स्कूल से सेफली घर पहुंचाना। ओके, देन 3 में क्या है, ए प्लम्बर, प्लम्बर का काम क्या होता है, प्लम्बर का काम होता है फिक्सेस लीकिंग पाइप्स, तो प्लम्बर को, 3 को हम किसके साथ मैच करेंगे, बी के साथ। प्लम्बर का काम क्या होता है, लीकिंग पाइप, लीकिंग टेप, उसको क्या करना, रिपेयर करना, फिक्स करना, ओके, ये प्लम्बर का काम होता है। नेक्स्ट वन इज ए टेलर, टेलर का काम क्या होता है, ये तीनों हो गया हमारा, देखो जहाँ पे टी हो गया आपको टिक करना था कि पता चले ये तीनों हो गया है, तो बाकी हमारा कौन सा बचा है, डी ई बी, डी ई बी हो गया है, ओके। तो टेलर सबको पता ही है, स्टिचेस क्लोथ्स, टेलर क्या करता है, क्लोथ स्टिच करता है, तो 4 को किसके साथ मैच करेंगे, सी के साथ, ओके। देन ए गार्डनर, ए गार्डनर, गार्डनर को किसके साथ, बाकी बच्चा कौन, लुक्स आफ्टर प्लांट्स, जो हमारे स्कूल में या फिर घर में प्लांट्स होता है, बहुत सारे प्लांट्स हम लगाते ना यहाँ पे, तो किसी के, हम सब फ्लैट में रहते हैं तो हमारे पास इतना जगह नहीं होता है प्लांट्स मतलब ग्रो करने का, है ना, इसलिए हम वो मिट्टी का जो क्या आता है, पॉट आता है, उसमें लेके छोटे छोटे प्लांट्स लाइक तुलसी का वो सब लगाते हैं, कोई भी फ्लावर, रोज फ्लावर का किसी किसी के घर में लगाते हैं, बट अगर जगह हो तो आप कोई भी प्लांट्स
अच्छे से लगा के उसको ग्रो कर सकते हो, बड़े प्लांट्स है ना। तो उसका देखभाल कौन करता है, स्कूल में हो घर में, उसका कौन करता है, गार्डनर। वो उसको वाटरिंग करता है डेली, फिर अगर वो बड़ा थोड़ा सा उस बड़ा हो गया तो उसका लेबल में उसको कट करके अच्छे से उसका देखभाल करता है। अगर उसके नीचे मिट्टी डालता है, वो मिट्टी आता है ना खाद का, वो जो डालने से जो प्लांट से अच्छे से ग्रो होता है, तो वो सब डालता है। फिर अगर आपकी प्लांट के नीचे छोटे छोटे वो कुछ भी ऐसे प्लांट्स निकल जाते हैं, उसको क्लीन करना, वो सब किसका काम होता है, गार्डनर का काम होता है। ओके, तो ए गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स। ओके, तो आपको ऐसे करना है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे ABCDE, तो इसको अच्छे से रीड करना है। यहाँ पे पर्सन का नाम है जो हमें हेल्प करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, और यहाँ पे उनका एक्टिविटी, वो क्या करते हैं, कैसे हमारा हेल्प करते हैं। तो इसके साथ ऐसे यहाँ पे आपको करना है मैचिंग करके, यहाँ पे नंबर लिखना है, लाइन ड्रॉ नहीं करना है। ओके, देन एक्सरसाइज नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑप्शन गिवन। क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑप्शन गिवन। गिवन जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्या करना है, फिल अप करना है। देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 है। ओके, यहाँ पे आपको फिल अप करना है। यहाँ पे आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया गया है, हेल्प बॉक्स दिया गया है, हमें 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, इसलिए आपको 4 यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया गया है। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन रीड करना है, फिर इसमें से उसका आंसर ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, फिर यह जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे उसको लिखना है। ओके, तो क्या लिखा है हेल्प बॉक्स में, डॉक्टर, कारपेंटर, ड्राइवर एंड कुक। ओके, नंबर 1 में क्या लिखा है, ए में, ए डैश मेक्स फर्नीचर फॉर अस, हमारे लिए फर्नीचर कौन बनाता है, कौन बनाता है फर्नीचर, कौन बनाता है, डॉक्टर बनाता है फर्नीचर आपके लिए, आपके फर्नीचर मतलब जो आपके घर में टेबल, चेयर, देन बेड, डाइनिंग टेबल, वो सब वुड का जो भी है, विंडो, फिर डोर्स, ये सब वुड का ही होता है ना, वो है फर्नीचर, सोफा सेट, तो वो सब कौन बनाता है, कारपेंटर बनाता है, कौन बनाता है, कारपेंटर, जो वुड को कट करके उसके डिजाइन करके। आजकल तो फर्नीचर भी वो क्या कैटलॉग में दिखाते हैं आपको, है ना, कौन से डिजाइन आपको चाहिए, तो वो सब कौन करता है, कारपेंटर। डॉक्टर करता है नहीं, ड्राइवर नो, कुक नहीं, क्योंकि कुक का क्या काम होता है, खाना बनाना, ड्राइवर को सेफली स्कूल लेके जाना फिर वापस छोड़ना। ओके, देन डॉक्टर को तो वो हॉस्पिटल में करता है, हमारा जो पेशेंट होते हैं, इल पर्सन होते, सिक पर्सन होते, उनका टेक केयर करना। ओके, सो ए देश मेक्स फर्नीचर फॉर अस, कारपेंटर, तो ये आपको लिखना है, ये आपको टिक नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ये फिल अप है, आपको स्पेस दिया है, आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखेंगे, ए कारपेंटर, कारपेंटर मेक्स फर्नीचर फॉर अस। ओके, देन नंबर 2 में डैश मेक्स फूड फॉर अस, हमारे लिए खाना कौन बनाता है, हमारे लिए तो मम्मी बनाती है ना, बट यहाँ पे आपको मम्मी का नहीं नेम लिखनी है, आपको यहाँ पे हेल्प बॉक्स में जिसका नेम है ना उसी को चूज करके लिखना है। तो कारपेंटर तो हो गया 1 में, डॉक्टर, ड्राइवर, कुक, तो कौन बनाता है खाना, कुक, एक कुक मेक्स फूड फॉर अस, हमारे लिए खाना बनाता है। देन ए डैश ड्राइव अस टू डिफरेंट प्लेस, हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेस को ड्राइव करके कौन ले जाता है, ड्राइवर, ड्राइव कौन करता है, ड्राइवर। ओके, ड्राइवर ड्राइव अस टू द डिफरेंट प्लेस। देन ए डैश लुक आफ्टर अस व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं हमारे हेल्थ का टेक केयर करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन काम करता है, डॉक्टर। सो ए डॉक्टर
after us when we are sick. When we are sick, we go to the hospital. In the hospital, a doctor treat us. Okay? तो ये था फील ऑफ. देखो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, कोई भी आपको मम्मी हेल्प करेगी, बट आपको खुद से जो भी हार्डवर्ड्स हम फाइव नंबर में लिखते हैं या फिर यहाँ पे जैसे हमने लिखते हैं ना, आपको खुद से रीड करके लिखना है. देखो अभी जैसे कि हमारा स्पेल बी कंपटीशन था, उसमें बहुत सारे ने पहले राउंड में ही आउट हो गए, क्योंकि वो ऑनलाइन होता है तो आपको क्या होता है, सिर्फ ऑप्शन दिया जाता है, आपको सिर्फ टिक करना होता है. बट जब आपको खुद से कोई पूछता है स्पेलिंग, तभी पता चलता है कि आप खुद से रीड करके लिखते हो या फिर पेरेंट्स हेल्प करते हैं, है ना. तो अगर आप खुद से करोगे तो आगे जाके, अभी तो जो वर्ड्स है थोड़ा इजी है, जब आप सेकेंड थर्ड में जाओगे और भी हार्ड आएंगे हार्ड वर्ड्स, तो वो तो पेरेंट्स नहीं करवाएंगे तब, है ना. तो अभी से अगर आप खुद से करोगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड 3. ये थोड़ा सा है. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हमारा जो बाकी जो एक्सरसाइज नंबर 4 से करेंगे. तो आई होप आज जितना हमने करवाया, मैंने अच्छे से 2-2 times रीड करवाया, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कौन क्या करता है, कौन कैसा करता है, अच्छे से करवाया. तो आप आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया है. ओके, चलो नाउ एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ. ओके, बाय एवरीवन.